इस ट्वीट ने जिनके लिए ट्वीट किया गया था उनको कैसा हिलाया है, तो जरा पाकिस्तान के यूट्यूब या पाकिस्तान की मीडिया को देखिए कि वो 26/11 का हमला तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था ना, मोदी सरकार का तो कायदे से अगर कांग्रेस की तरह सोचे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधान जयशंकर उस दिन ट्वीट करके बता रहे थे कि ना तो हम भूलते हैं और ना हम माफ करते हैं, क्योंकि वो सलमान खान वो पकड़ के आया है रवांडा से, वो भी कांग्रेस का पापी है, वो कांग्रेस के ही समय पाप करके भागा था, बेंगलोर में बम विस्फोट करके भाग गया था और कांग्रेसी कंबल ओढ़ के सोते रहे थे। तो ये ट्वीट बड़ा मायने रखता है और मैंने कहा इस ट्वीट के बाद ये जो बयान है आज का जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर का, ये बड़ा मायने खेज है, एक तरह से बांग्लादेश को संदेश है कि हम जो है अपनी आंख कान पे पट्टी बांधे नहीं बैठे हैं। सर, बांग्लादेश का जो कुकृत्य है उस पर हम लोग लगातार चर्चा कर, अब दुनिया भर में बांग्लादेश का पाप जो खुल करके सामने आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश को लगता था कि ये दिल्ली की सरकार जो पुरानी सरकार है वैसे ही चलेगा। आज जयशंकर ने बांग्लादेश के पाप पर लठ बजाया है। प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले कहा था बांग्लादेश के पाप को लेकर के, अब विदेश मंत्री ने खुल करके संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं के हमला पर जो लेकर सरकार गंभीर, संसद में विदेश मंत्री ने दी जानकारी पूरे फैक्ट जो है, क्योंकि संसद का जो कुछ भी होता है रिकॉर्ड होता है, वो सिर्फ सतही बयानबाजी नहीं होता। तो जयशंकर के इस रुख को आप किस रूप में देख रहे हैं? मनीष जी, थोड़ा इसका बता देता हूँ कि विदेश मंत्री जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि भारत सरकार ने अगस्त 2024 के महीने में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों उनके घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और मंदिरों धार्मिक स्थलों पर हमलों की कई रिपोर्ट देखी है। सरकार ने इन घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है और भारत ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी देश में चरमपंथी बयानबाजी और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के साथ साथ मंदिरों पर हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया कि भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लिया है और अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना ढाका की सरकार का दायित्व है, एक तरह से उन्होंने क्लियर किया है उसको। अब मनीष जी, इस पर जो है बगल में आ जाइए कि जयशंकर, विदेश मंत्री ने लोकसभा को बताया कि भारत सरकार ने अगस्त 2024 के महीने में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों उनके घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और मंदिरों धार्मिक स्थलों पर हमलों की कई रिपोर्ट देखी है। सरकार ने इन घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। लोकसभा में जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमलों की खबरें भी सामने आई। सरकार ने दुर्गा पूजा 2024 के दौरान ढाका के ताती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और सतकीरा में जोगेश्वरी काली मंदिर के में चोरी के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इन हमलों के बाद बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण उत्सव को सुरक्षित करने के लिए सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तैनाती समेत विशेष सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए थे। ढाका में भारत का उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से संबंधित स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अल्पसंख्यक समेत बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। ये आज इतना लंबा चौड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में दिया। मैं मनीष जी कल के अपने डिबेट में कुछ लोगों के पढ़ रहा था, कमेंट में मैंने देखा था तो कुछ लोग बड़े अजीब कर क्या रहा हो, तो प्रधानमंत्री मोदी पे सीधे अटैक कर रहे थे, तो उसको जरा पहले समझ लीजिए। कल मैंने बाद में समझाया था, या तो आप लोगों ने पूरी डिबेट नहीं देखी, उसमें मैंने समझाया था कि इंदिरा गांधी ने भी जो हमला किया था तो मार्च में तैयारी की बात करके फिर दिसंबर में वो लड़ाई हुई थी, 1 या 2 दिसंबर को पहले अटैक किया था हिंदुस्तान ने, तो 9 महीने इंदिरा गांधी ने भी प्रतीक्षा करी थी और प्रतीक्षा के एक तरह से तैयारी की थी, लेकिन वो मैं समझा चुका हूँ तो उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन आप जयशंकर के लिए भी ऐसे कुछ लोग कहेंगे कि कहने से क्या हो जाता है, तो जरा मनीष जी इसके ऊपर जयशंकर का एक ट्वीट दिखा दीजिए जो अभी उन्होंने 26/11 को किया था, तो वो सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए संदेश था और बांग्लादेश के लिए भी संदेश था। उसके बाद ये बयान बहुत मायने रखता है। जरा वो अभी आप जयशंकर का वो ट्वीट देखें जो उन्होंने 26/11 को, जिस दिन मुंबई हमले की 16वीं बरसी थी,
उस दिन उन्होंने ट्वीट किया था, और कि 3 दिन पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर यह बता चुके हैं कि भारत ना भूलता है ना माफ करता है, और उन्होंने केवल इतना ही लिखा था कि 26/11 नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव, ये जयशंकर का ट्वीट था 26 नवंबर को। और हमारे यहाँ इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, ज्यादा क्या हमारे यहाँ एक तरह से महत्व ही नहीं दिया गया, बड़े सोचे समझे साजिश के तहत इसके बिल्कुल एकदम जिक्र ही नहीं किया गया। लेकिन इस ट्वीट ने जिनके लिए ट्वीट किया गया था उनको कैसा हिलाया है, तो जरा पाकिस्तान के यूट्यूब या पाकिस्तान की मीडिया को देखिए, पाकिस्तान हिला हुआ था इस ट्वीट के बाद कि ऐसा तो भारत कभी ऐसी भाषा बोला ही नहीं। कि वो 26/11 का हमला तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था ना, मोदी सरकार का तो कायदे से अगर कांग्रेस की तरह सोचे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधान जयशंकर उस दिन ट्वीट करके बता रहे थे कि ना तो हम भूलते हैं और ना हम माफ करते हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई वो चेतावनी या धमकी दे रहे थे, ये वो कर चुके, भारत सरकार बहुत कुछ कर चुकी 26/11 वालों के साथ। वो 26/11 वाले दिन हम लोगों ने बताया था, उसके बाद उन्होंने दोहराया था। और क्यों दोहराया था, क्योंकि वो सलमान खान वो पकड़ के आया है रवांडा से, वो भी कांग्रेस का पापी है, वो कांग्रेस के ही समय पाप करके भागा था, बेंगलोर में बम विस्फोट करके भाग गया था और कांग्रेसी कंबल ओढ़ के सोते रहे थे। जब सरकार सत्ता में आई तो सरकार ने खोज शुरू की उसकी, और बहुत बाद में पता चला कि वो रवांडा में कहीं दुकान वकान खोल के अपना धंधा कर रहा है, और अब भी संपर्क में है उन लोगों के। और रवांडा सरकार से प्रधानमंत्री मोदी के संबंध समझिए कि उनको सब सूचना दी तो उन्होंने गिरफ्तार करके भारत को सौंप दिया। तो अभी आप लोगों ने खबर देखी कि सलमान खान आया पकड़ के रवांडा से, तो उसी समय जयशंकर का ट्वीट, तो ये ट्वीट बड़ा मायने रखता है। और मैंने कहा इस ट्वीट के बाद ये जो अब बयान है आज का जयशंकर विदेश मंत्री जयशंकर का, ये बड़ा मायने खेज है। एक तरह से बांग्लादेश को संदेश है कि हम जो है अपनी आंख कान पे पट्टी बांधे नहीं बैठे हैं, और ये वो 26 तारीख को बता चुके हैं कि ना तो हम भूलते हैं और ना हम माफ करते हैं। और इन दोनों का उदाहरण पाकिस्तान को, मैंने कहा ना पाकिस्तान का मीडिया आप देखिए, कोई ऐसा चैनल नहीं, कोई यूट्यूब चैनल नहीं जहां पर उनके इस ट्वीट की चर्चा ना हो, कि वो बता रहे कि वो भूलने वाला की तो बात नहीं, वो कह रहे ना हम माफ करते हैं, तो उसमें वो गिना रहे कि अज्ञात वीरों ने किस तरह से घुस के मारा है 30-40 लोगों को। तो वो जयशंकर जो है वो बड़े उपद्रवी टाइप के नेता वो नहीं है, वो बड़े शांत भाषा में बात करते हैं। तो उनके उस ट्वीट के बाद ये बयान तो कहीं आश्वस्त करता है कि बस इतना ही आश्वासन काफी है कि भारत की निगाह है, भारत कर क्या रहा है, अंदरूनी तैयारी उसकी क्या है, ये जब परिणाम आएंगे तब हम लोग को पता चलेगा। वो पहले पहले ढोल बजा के कोई काम नहीं होता है।